दोस्तों ये है 2022 न्यू लॉन्च यामाहा FZS Fi-B3 डीलक्स वेरिएंट मेटालिक मैट ब्लैक ब्लूटूथ कनेक्ट और ABS के साथ। यामाहा ने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं, नए फीचर्स ऐड किए हैं। अब इसकी प्राइस भी पहले से बढ़ गई है। अब इसकी नई ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, नए फीचर्स क्या हैं, माइलेज क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस बाइक के फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। तो इसके मीटर कंसोल के ऊपर आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको यामाहा का लोगो और नॉन फ्लेक्सिबल यहाँ पर आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। इसकी हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको स्प्लिट LED हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। नीचे आपको एक हैलोजन का छोटा सा बल्ब मिल जाता है। इसकी हेडलाइट में अभी कोई भी नया अपडेट नहीं किया गया है। इसके फ्रंट वाले फेंडर के ऊपर आपको विदाउट कलर कोटिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको काफ़ी यूनिक और काफ़ी स्पोर्टी डिजाइन इसके फेंडर में देखने को मिल जाती है, जिसके साइड कॉर्नर के ऊपर आपको ABS का स्टीकर और सस्पेंशन के ऊपर यामाहा का स्टिकर दिया गया है। 282 mm डायमीटर की डिस्क मिल जाती है। यहाँ पर आपको ABS की प्लेट, वाइब्री के कैलिपर मिल जाते हैं। अब इस बाइक में आपको नए कलर के साथ, गोल्डन कलर के साथ 17 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करते हैं। 180/17 के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं इसके फ्रंट में। और सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक फॉर्क टाइप के इसके फ्रंट में सस्पेंशन दिए गए हैं। इसके मीटर कंसोल की बात करें तो इस बाइक में आपको वही पुराना वाला डिजिटल टाइप का मीटर कंसोल मिल जाता है। यहाँ पर आपको यामाहा की ब्रांडिंग, चेक इंजन की वार्निंग और गियर न्यूट्रल वार्निंग, यहाँ पर आपको हेडलाइट और ABS की वार्निंग और टर्न इंडिकेटर की वार्निंग मिलती है। यहाँ पर आपको RPM मीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक और किलोमीटर पर आर की स्पीड देख सकते हैं, किलोमीटर की रीडिंग देख सकते हैं। ट्रिप के मीटर में डिजिटल क्लॉक मिल जाती है और स्मार्ट कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसके सारे फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी जो हैंडल बार रोड है इसमें ब्लैक कलर की दी गई है। साइड व्यू जो मिरर हैं वो भी काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश दिए गए हैं। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम के साथ पासिंग स्विच, इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच दिया गया है। इसके दूसरी साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको इंजन किल का स्विच और नीचे सेल्फ स्टार्ट का स्विच दिया गया है। इसके सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो अब इस बाइक में आपको न्यू डिजाइन के साथ गोल्डन कलर के अलॉय व्हील मिलते हैं और डुअल टोन कलर में इसकी सीट मिल जाती है। अलॉय व्हील के कलर और सीट कलर के हिसाब से ही इसमें आपको स्टिकर वर्क देखने को मिल जाता है। इस बाइक में फ्यूल टैंक के काउल के ऊपर आपको जो है एयर वेंट मिल जाते हैं क्रोम के ट्रीटमेंट के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं। FZS का यहाँ पर आपको 3D में लोगो मिलता है गोल्डन कलर के साथ और वर्जन 3.0 का यहाँ पर आपको डुअल टोन कलर के साथ स्टिकर मिल जाता है और फ्यूल टैंक के ऊपर आपको यामाहा का स्टिकर मिल जाता है। इस बाइक में आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है और इसके सेंटर में मिडिल साइड में यहाँ पर आपको मैट ब्लैक कलर मिल जाता है विदाउट कलर कोटिंग के, जिसके ऊपर आपको ब्लू कोर का स्टिकर और यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक का कैप मिल जाता है और ऊपर की साइड में आपको की पॉइंट मिल जाता है। इस बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर जो भी मटेरियल दिया गया है वो यहाँ पर आपको सभी फाइबर बॉडी के साथ मिल जाता है। इसके फ्यूल टैंक के काउल के नीचे आपको एयर वेंट मिल जाते हैं, जो कि मैट ग्रे कलर के दिए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक और स्पोर्टी लग रहे हैं। इस बाइक में आपको ओनली सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको किक स्टार्ट का लीवर नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको यामाहा की ब्रांडिंग, इंजन ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल का कैप दिया गया है और नीचे आपको कैटलिटिक कन्वर्टर 165 mm। इस बाइक में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, ये इसका ऑक्सीजन सेंसर दिया गया है। यहाँ पर आपको इंजन गार्ड की एक प्लेट मिल जाती है जो कि फुली फाइबर बॉडी के साथ है। इंजन और पावर की बात करें तो 149 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व SOSC BS6 इंजन दिया है, जो 12.4 PS की पावर देता है 7,250 RPM पर और 13.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 5,500 RPM पर। ये वाइक 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है और यहाँ पर आपको राइडर के लिए ब्रेक पैड और एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं। इसके एग्जॉस्ट के डिजाइन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी इसको डिजाइन किया गया है। इसके ऊपर आपको फाइबर की दो प्लेट मिल जाती हैं, जो कि बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। और पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट और रियर में आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस टाइप का सस्पेंशन दिया गया है, जिसको आप अपनी वेट और डिमांड के हिसाब से 7 बार एडजस्ट कर सकते हैं। इसके रियर में डिस्क ब्रेक दी गई है, जैसा कि इस बाइक में ओनली सिंगल चैनल ABS दिया गया है। 140/60 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं 17 इंच के गोल्डन कलर के अलॉय व्हील के साथ। पीछे वाले टायर के ऊपर एक टायर हगर दिया गया है, जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करता है। और इस बाइक में नए अपडेट की बात करें तो अब इस बाइक में आपको डुअल टोन कलर में सीट मिल जाती है।
रेड कलर की स्टिचिंग के साथ, और इसकी जो कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। 790 mm इस बाइक में आपको सीट हाइट मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है अगर आपकी हाइट थोड़ी सी लो है। और यहाँ पर आपको मैट ब्लैक कलर के साथ इसका ग्रैब हैंडल मिल जाता है। इसकी सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो इसकी टेल लाइट को कम्प्लीटली फुली चेंज कर दिया है। अब इस बाइक में आपको LED टेल लाइट मिलती है न्यू डिज़ाइन के साथ, और हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, दोनों साइड में रिफ्लेक्टर और नीचे भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इसका जो पीछे का जो लुक है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी दे दिया गया है। सीट को ओपन यहाँ से आप कर सकते हैं सीट का लॉकर, और यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट और ओपन चेनसेट कवर मिल जाता है। इसके माइलेज के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको लोकल में 35 किलोमीटर प्रति लीटर का आसानी से माइलेज दे देती है। अगर आप इसको हाईवे पर चलाते हैं इकोनॉमी जोन में तो 45 किलोमीटर का माइलेज भी आप इस बाइक से अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स और एडजस्टेबल फुटरेस्ट, और इसके साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर मिल जाता है। इसका साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर तभी काम करेगा जब बाइक गियर में होगी, अगर बाइक न्यूट्रल में होती है तो काम नहीं करता है। अब दोस्तों मैं आपको इसके एग्जॉस्ट के और इसके इंजन के साउंड को चेकआउट करा देता हूं। तो यहां से आप इसके इंजन के साउंड को सुन सकते हैं, और यहां से आप इसके एग्जॉस्ट के साउंड को भी सुन सकते हैं। तो बात करें इसके प्राइस की तो यामा FZS FI B3 डीलक्स वेरिएंट की एक्सोरूम कीमत है 1,19,700 रुपये, और इसकी ऑनरोड कीमत है 1,40,420 रुपये। प्राइस डिफरेंस की बात करें तो डीलक्स वेरिएंट आपको नॉर्मल FZS वेरिएंट से आपको 3,000 रुपये महंगा मिल जाएगा। ये ऑनरोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है तनुष्का ऑटो यामा BIP रोड कोलकाता शोरूम की। अगर आप कोलकाता या आसपास से हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अदर स्टेट वाले शोरूम के नंबर पर कॉल मत करना। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑनरोड कीमत जानना चाहते हैं तो आप अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देव MTR चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।